जिस तरह की जबान आपका मंत्री बोल रहा है परमानेंट कुछ भी नहीं होता है, हर चीज का सवाल होता है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि हम अपने रब से डरते हैं, आपसे नहीं, आपसे नहीं। अल्लाह ने जो हमारे मुकद्दर में लिखा होगा होगा वही। इज्जत जिल्लत मौत जिंदगी सब अल्लाह के इख्तियार के अंदर है और ये अल्लाह की चीजें जब लेना चाहे ले ले, तो आप हमें क्या खौफ दिखाते हो? हम खौफ ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन देवबंद के लोगों तुमसे कहना चाहता हूं कि जो बंटवारा करने की साजिशें तुमने कर ली है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन भाजपा के हाथ में खेल रहा है। तू मुझे गाली दे, मैं तुझे गाली दूं, मेरा काम बन जाए, क्या तमाशा है। ये देवबंद की सीट अगर एक बार चली गई दोबारा आने वाली नहीं है, याद रख लेना, ये दोबारा आने वाली नहीं है। और पूरी दुनिया के अंदर जब देवबंद का नाम आए और उसके साथ भी आए कि देवबंद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आपको हरा दिया है और आपकी हार की वजह कोई और नहीं, आपकी हार की वजह आप खुद हो, आप खुद हो अपनी हार की वजह। 24,000 वोट, मुद्दे की बात कर रहा हूं सीधे, 24,000 वोट चाहिए जीतने के लिए। समाजवादी के पास 24 कहां से आएंगे, वो रास्ता बनाए। मैं चुनाव लड़ा था और एक तूफान बरपा था 2014 में, तब जाकर के 26,000 वोट आ पाया था, ना इतना वोट पहले कभी पड़ा ना आगे शायद पड़े। एक एक आदमी ने वोट डाला था, एक एक आदमी ने वोट दिया था। आप बता दो किस तरह से आ जाएगा 24,000 वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के पास। ज़ियाउद्दीन अंसारी को हमने पूरा जोर लगाया, राजा दर्रा भी थे, मैं भी था, तब माविया 400 वोट से जीता था, 400 वोट से। और आप जब ये हालात हो, इन हालात में बहुजन समाज पार्टी से चुके इनके अलावा कोई सहारा मिल नहीं, इनका वोट ऐसा है, दलित वोट ऐसा है जो सबसे ज्यादा मुत्तहिद होकर और मुत्तफिकाना के साथ पड़ता है।